आपसे लाख गुना अच्छा। 5 साल का टेन्योर लालू यादव का रहा, जिसने कम से कम दलित पिछड़ा, अधर्म पिछड़ा, अल्पसंख्यक की सामाजिक न्याय और उसके राजनीतिक और सामाजिक अधिकार पर वह बात भी की। आप तो लंबी बात करते हैं, आपको शरद यादव याद नहीं आता? आप कितने को निकाले और बेचक किए, रवे राम से लेकर के सर, मैं रघुवंश बाबू का सम्मान करता हूं, रघुवंश बाबू जैसे व्यक्ति हो या शिवानंद तिवारी या तहसील दारा या कोई भी बेटे के तरह खड़े होंगे, या सही है कि किसी भी दल को रघुवंश बाबू जैसे वैचारिक लोगों पर 47, 56 और बालू माफिया और रियल एस्टेट माफिया से कंप्रोमाइज नहीं की जा सकती। हमारे जैसे लोग कभी वैचारिक लोगों के सामने बालू माफिया लोगों का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और लालू यादव जी, रघुवंश बाबू को चिट्ठी लिखने से बेहतर था कि आप अपने परिवार को पहले चिट्ठी लिखते और उनको समझाते कि रघुवंश जी, शिवानंद जी, अफलना जी थोड़ा गौर लगने का संस्कार सिखा देते और सबको अवकाश बताते हैं। आप जब तक रहे तब तक रघुवंश बाबू सबका सम्मान हुआ, आपके खानदान ने किसी भी वर्कर का सम्मान देना नहीं सीखा। आज जो सामाजिक न्याय का बिखरा हुआ है लालू यादव जी, उसके मुख्य कारण आपके लोग और आपके परिवार हैं। और आज जो महागठबंधन से मारी जा रहे हैं या उपेंद्र कुशवाहा को लात मार रहे हैं या आप औकात बताते औकात बता के चुनाव आएगा तो आप गठबंधन करेंगे, या पीटी बन के बोलिए अपने परिवार को ना रहे और बीजेपी के हाथ में ना खेल, महागठबंधन का एरा बहुत बड़ा होगा, तब बिहार बचाने की बात कर रहे हैं। अकेले नहीं, और अकेले ठीका मत लीजिए, और लालू यादव का झूठ नहीं है, ये युग आ गया है रोजगार का, और उसके लिए मैंने आज आपको चैलेंज किया नरेंद्र मोदी जी को कि बिहार अब आपके झांसे में आने वाला नहीं। डीएनए और बात आप किए थे, मिट्टी में मिल जाने वाला नहीं, ये सीधा चुनौती है। बस इतना ही था मेरा आज कि हम लोग पूरा का पूरा रघुवंश बाबू जैसे कोई भी वैचारिक आदमी जो आज बिहार के धरोहर हैं उनके साथ हमारी पार्टी खड़ी है, व्यक्तिगत से लेकर पारिवारिक जीवन तक उनके सवाल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, और जदयू के मुंह से रघुवंश बाबू का सम्मान शोभा नहीं देता। लालू जी, रघुवंश बाबू को चिट्ठी लिखने से पहले अपने खानदान को समझाइए, चिट्ठी लिखिए तो सम्मान करना सीखे और दूसरों के हाथ खेलना बंद करें। चिंता मत करिए, कोई ना वाल्मीकि नगर दबा है, कुचला है, शोषण हुआ है, वाल्मीकि नगर आजादी चाहता है। आप आजादी देंगे? प्रधानमंत्री मेरा काम ही है बिहार और बिहारियों के लिए जीना। प्रधानमंत्री आजकल रघुवंश का काफी हाल समाचार पूछ रहे हैं, क्या लग रहा है कि उनके समर्थकों का? सोनिया जी और राहुल जी ने भी हाल समाचार पूछा है। हमेशा नरेंद्र मोदी जी का नाम ही नीतीश जी का नाम झांसा है। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि दलित परिवार में किसी की हत्या होगी तब हम रोजगार देंगे, ये मैंने उसी दिन कह दिया है। जीते जी किसी को देते नहीं है, मर्डर कराने के लिए उसकाते हैं बाहर इस सरकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्यमंत्री बना दे दलित को, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना दे, हम चाहते हैं हत्या से अच्छा है दलित की हत्या ना हो। चिराग पासवान बन जाएंगे या मीरा कुमार या कुल मांझी जी तो निश्चित रूप से दलित की हत्या रुकेगी। ये परजीवी दलित बना के जिंदा रखते हैं ये सब। जेपी नड्डा पटना रहे, कैसे देखते हैं आप? हम कैसे भी नहीं देखते हैं, सब आते जाते रहता है भैया। मंगल पांडे बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के सौगात से प्रधानमंत्री के अवसर मिलेगा। आ मंगल पांडे बोल रहे हैं कि
प्रधानमंत्री के सौगात से रोजगार मिलेंगे बिहार को। मंगल पांडे जी पहले अपना रोजगार ठीक ठाक रख के ना भाई, स्वास्थ्य रोजगार ठीक रख के, कौन स्वरोजगार, ये अदानी अंबानी का स्वरोजगार की 47-56 वाले का स्वरोजगार, दबालू माफिया का स्वरोजगार, ये उनसे पूछिए किसका स्वरोजगार होगा, ये अपने अपने रोजगार ढूंढने में लोग लगे हुए। सब रूप में हम हैं, हमने लालू जी से आग्रह किया ना, लालू जी को तय करना है कि महागठबंधन बड़ा होना चाहिए, आप लात मारते रहिएगा तो आग्रह को करेंगे बचाइए, और आपके चिट्ठी तो रघुवंश बाबू से ज्यादा अच्छा है, खानदान को लिखिए जिसके चलते हर लोग अपमान होता है, ये कौन बड़ी बात होगी। यादव जी लाल यादव ने कहा है कि कोई भी पार्टी टिकट देगी हम उनके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, क्या बधाई हो सबको डेमोक्रेसी में लड़ने का है, हमारी पार्टी जब आएगी तो मैं आपको बहुत क्लियर हूँ कि किसी भी परिस्थिति में आप इसको लिख लीजिए सादे कागज पर, किसी भी परिस्थिति में हम 80% रोजगार को देंगे, तो युवा को देंगे, और हमारी लड़ाई कंप्लीट आईटी इंजीनियर, हमारी जो गोली होगी वो आवाज की होगी, वो विचारों की होगी, और कौन सबको लड़ने का अधिकार है वो लड़े, बधाई लाल यादव को देंगे या नहीं, सबको लड़ने का अधिकार है, बधाई हो। मोदी जी बनेंगे, सब मंत्री मोदी जी बनेंगे, पशुपालन विभाग में भी कुछ 290 डाल दे, अभी डॉल्फिन में मछली, उनको बहुत बाद में याद आया कि मछली बिहार में सबसे पहले, माछ मछली पान मखान धान, अब मोदी जी को अभी माछ याद आया, कुछ दिन में मिथिला का पान मखानों याद आ जाएगा, उसका भी ट्वीट करेंगे, मैथिली मखान, मैथिली दही चूड़ा, भोजपुरिया सत्तू, भोजपुरिया लिट्टी चोखा, मैथिली भुज्जा चना, आप सुरक्षित रहिएगा, रात के 1 बजे भी हमारी बेटी बाहर घूमेगी, फैमिली आजाद होगा, या तो हम रहेंगे या तो माफिया अपराधी रहे, ये जब आएंगे तो बताएंगे, आज पहले खास मोदी जी जो कल झांसा दिया है वो चला लीजिए, महिलाएं तो हमारी बेटी है और बहन है तो खासी खास है, बहन बेटी के लिए सबसे ऊपर है, खास है, माँ सबसे ऊपर है, माँ और मौसी, माए जिये माए मारे मौसी, माए और मौसी, अभी ना बेटी तो खास है, खास है, वो मोदी जी से पूछना पड़ेगा। अब हमको नहीं पता बेरोजगार करके कौन कौन रोजगार अपना ढूंढ रहे हैं, अब पूरा घर जला करके कौन कौन घर बचेगा 30 सालों में तो भगवान जाने, लेकिन हम इतना जानते हैं कि चुनाव में एक भी मंत्री संतरी और मुख्यमंत्री का विरोध होगा, बेरोजगार छात्र युवाओं के द्वारा एनडीए का जमकर सड़कों पर विरोध किया जाएगा, उसके खिलाफ उसे रोका जाएगा, आंख बंद करके उसको गांव ढूंढने नहीं दिया जाएगा। आनंद सिंह कह रहे हैं तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे, बधाई हो, बधाई बधाई, सब 47-56-47 सब आलू माफिया लोग दोनों आदमी को मुख्यमंत्री बनाए, बधाई हो, बिहार बचेगा। क्या कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मी डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।